चरक संहिता सूत्रस्थान फोर्थ चैप्टर नेम है षड विरेचन शताशीतीय अध्याय। तो इसको अपन पार्टीशन करके पढ़ेंगे क्योंकि इसमें 50 महाकषायों का वर्णन है, तो उनको उनसे काफी क्वेश्चंस आजकल आने लगे हैं, स्पेशली द्रव्यगुण के क्वेश्चन भी वहां से पुटअप होते हैं और वैसे वो इक्वली इम्पोर्टेंट तो है, तो हमको इसको बहुत सारे पार्टीशन करके पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 50 महाकषायों को लर्न करना है, साथ ही साथ में उससे जो क्वेश्चन छोटे छोटे निकल के आते हैं उसको प्रिपेयर करना है। तो थोड़ा सा ये प्रिपरेशन टाइम मांगता है फोर्थ चैप्टर, बट एक बार अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस भी उतना ही बूस्टअप हो जाता है। तो इसी नोट के साथ अपना ये फर्स्ट पार्ट जो है फोर्थ चैप्टर का स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से। अब सबसे पहले देखिए, इससे पहले अपन ने क्या देखा था, बहिर परिमार्जन अंतर परिमार्जन के द्रव्य, तो इसमें उभय परिमार्जन के द्रव्यों का वर्णन है, ये हमें यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, तो इससे संख्यात्मक रूप से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको एक बार मेमोराइज कर लीजिए। देखो सबसे पहले लिखा है षड विरेचन शतानी भवंती, मतलब जो 600 विरेचन है उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो आगे देखेंगे 600 विरेचन कैसे आते हैं। अब इस विरेचन जो वर्णन है इसमें गोमन विरेचन दोनों को इंक्लूड कर रखा है। फिर षड विरेचन आश्रय, ये जो विरेचन के योग होते हैं उसके जो आश्रय हैं वो 6 बताए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पंच कषाय योनियां, तो जो कषाय कल्पना है, कषाय की योनियां है, दोनों ही 5-5 बताई गई हैं, तो पंचविध कषाय कल्पना भी आ गई। और पंचाशन महाकषाय, कितने महाकषाय बताए हैं, 50। और पंच कषाय शतानी, कितने हो गए ये जो कषाय हो गए वो कितने हो गए, 500। तो आपसे ये पूछा जाए, आप क्या है इस 50 और 500 में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको महाकषाय नहीं पढ़ते अच्छे से और इसको कषाय नहीं पढ़ते, तो जब महाकषाय पूछा जाएगा तो वो 15 नंबर है, और जब पंच कषाय शतानी केवल कषाय पूछा जाएगा तो आपको उसका आंसर करना है 500, ठीक है, क्योंकि हर 50 में 10-10 द्रव्य है, तो टोटल जो कषाय हो जाएंगे वो जाएंगे 500, क्लियर है। अब आगे नेक्स्ट देखिए, अब देखो ये जो 600 विरेचन के योग है ना, ये 600 विरेचन के योग किस तरीके से होते हैं, तो इसमें पहली चीज याद रखो, इसमें वमन के 355 योग है और 245 जो योग है वो विरेचन के हैं, ठीक है। तो वमनार्थ कितने हो गए, 355, तो वमन विरेचन में ज्यादा किसके हैं, वमन के, तो 355 वमन के योग है और 245 जो है वो विरेचन के योग है, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां से कुछ कल्प स्थान के क्वेश्चन भी अपन याद करके चलेंगे, क्योंकि पूछा जाता है कि मदन फल के कितने योग है, जीमोतर के कितने योग, तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखो, मदन जी ये ट्रिक मैंने पहले भी बताई है, अभी वापस रिवाइज करा देती हूँ, मदन जी ईश्वर के धाम कुकृत ना करें, ठीक है। तो मदन फल जीमूतक ईश्वागु धामार्गव कुटच और कृतवेदन, ठीक है, इसको ऐसे याद रखो, 133 मदन फल के योग है, फिर जीमूतक के योग है 39, फिर इश्वाकु के योग है 45, फिर धामर्गव के योग है 60, ठीक है, फिर कुटज के योग है 18 और कृतवेदन के योग है 7। तो इसको ऐसे 133, 39, 45, 60, 18, 60 ऐसे याद रखना, ताकि मदन फल जीमूतक इश्वाकु धामर्गव कुटज कृतवेदन क्रम से आपको ये ध्यान देंगे कि किसके कितने हो गए, तो इनको मिला के कितने कुल वर्णित है, 355 ये वमन के योग हो गए। तो यहाँ से कितने कल्प स्थान में वर्णित किए जाएंगे, कितने वमन योग वर्णित है, ये यहाँ से ही इसको कैलकुलेटिव वे में ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हम इतने से चीज को याद नहीं रखते, बस क्वेश्चन को स्किप करके आ जाते हैं, बस इतनी सी ट्रिक अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये 6 ही चीजें वमन के लिए जो है कल्प स्थान में वर्णित है, ये 6 ही फर्स्ट चैप्टर आते हैं। फिर आते हैं विरेचन के ऊपर, तो स्पेशली देखो विरेचन में आपको ध्यान रखना है, जैसे ये श्यामा बोलते हैं काली निषोध को, तो श्याम वर्ण काला है ना, तो काली निषोध को श्यामा है, और त्रिव्रत बोलते हैं सफेद निषोध को, ठीक है। तो श्यामा के तो 100 योग है, ठीक है, श्यामा के 100 और त्रिव्रत जो है वो 10 योग है। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि श्यामा त्रिव्रत के कितने योग है, तो वहां पे 110 आंसर करना है, केवल श्यामा आता है तो 100 योग करना है, त्रिव्रत आता है तो 10 योग करना है, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं चतुरंगुल, तो चतुरंगुल बोलते हैं अमलदास को, पहली चीज ये ध्यान रखना है, इसके टोटल 12 योग वर्णित किए गए। फिर आते हैं तिलवक, तिलवक को लोध से रिलेट किया गया, जिसके 16 बोले गए हैं योग। फिर आते हैं महावृक्ष, तो क्वेश्चन ये आता है महावृक्ष किस प्लांट को बोला जाता है, तो हम उसमें से वृक्ष खोजते हैं, जबकि सिहुंड जो होता है थुअर उसको महावृक्ष बोला जाता है, और इसके 20 योग का वर्णन है। फिर देखो सातला शिकाकाई को बोला गया है, और शंखिनी, तो सप्तला
सप्तला शंकिनी इनके कुल 39 ही हो गए, सप्तला और शंकिनी दोनों को मिलाकर, और दंती और द्रवंती इन दोनों को मिलाकर 48 ही हो गए। तो ये 245 योग बनाते हैं और 355 245 को छोड़ के 600 विरेचन योगों का वर्णन हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया क्लियर। इसमें स्पेसिफिकली जो विरेचन के अलग अलग याद रखना, जो वमन है उसकी मैंने ट्रिक आपको बता दी है। तो ये 600 आपको योग पता चल गया यहाँ से। अब नेक्स्ट आते हैं जो इन्होंने आश्रय बताए हैं विरेचन द्रव्यों के। तो विरेचन से मतलब यहाँ पे शोधन से है। तो इसके लिए देखो, शीर मूल तक पत्र पुष्प फलान इति। अब इसको याद रखने के दो तरीके, या तो आप इसको याद रखिए या फिर आप स्थावर विष के अधिष्ठान के जो कोटेशन है वो याद रखिए। तो वो कोटेशन क्या है, सॉरी यहाँ पे ना इसको वापिस से करेक्ट कर देती हूँ मैं, कि जो स्थावर विष के अधिष्ठान है ना उसकी कोटेशन ये है, मूलम पत्रम फलम पुष्पम, मूलम पत्रम फलम पुष्पम, ठीक है, त्वक क्षीरम सार एवच, ये एक लाइन है। ठीक है, मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीरम सार एवच। फिर आगे लिखा हुआ है निर्यासो धातवश्चैव कंदश्च दशमा स्मृत। ठीक है, तो इससे क्या है कि इस ट्रिक को, इस कोटेशन को याद रखने से दो फायदे होते हैं। एक तो स्थावर विष के अधिष्ठान याद हो जाते हैं, दूसरी चीज इससे आपको छह संशोधन के आश्रय पता चल जाएंगे। इसके जो शुरुआत के छह है ना, ये छह आश्रय हैं इसी एज इट इज विरेचन के। तो देखो, मूल है, पत्र है, फल है, पुष्प है, त्वक है और शीर है। ठीक है, तो यहाँ के जो शुरू के छह है वो छह विरेचन के आश्रय के नाम से वर्णित है, और इस कोटेशन से स्थावर विष के हमको 10 अधिष्ठान भी पता चल गए। ठीक है, अब इसमें एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कभी अगर आपसे पूछा जाए कि शीरो विरेचन के आश्रय कितने होते हैं, ठीक है, तो ये तो विरेचन के आश्रय है। अब शीरो विरेचन के आश्रय कितने होते हैं, तो शीरो विरेचन के आश्रय 7 होते हैं। तो ये जो 6 आश्रय अपन ने जाने ना, इसमें एक तो आप शीर को हटा दो, ठीक है, शीर को आप माइनस कर दोगे तो बचेंगे 5, उन 5 के अंदर आप जोड़ दो कंद और निर्यास। ठीक है, तो ये 7 आश्रय शीरो विरेचन के यहां से ध्यान में हो गए आपको। तो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया 6 विरेचन के आश्रय कैसे ध्यान रखना है, शीरो विरेचन के 7 आश्रय आपको कैसे ध्यान रखना है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए पंच कषाय योनिया और पंच कषाय कल्पना के बता रखा है। तो कषाय योनिया जिससे कि अपन जातियां या जिससे अपन बनाएंगे कषाय कल्पनाओं को, तो इसमें देखो सारे रस आते हैं लेकिन एक रस नहीं आता, दैट इज लवण। लवण क्यों नहीं आता है, क्योंकि लवण की आप कैसे कल्पना करोगे, लवण तो खुद ही दूसरी कल्पनाओं में मिल जाता है, तो लवण की कोई कल्पना नहीं कर सकते, तो ये योनियों में भी नहीं आता है। तो इसको ध्यान रखना कि कौन सा रस जो है वो योनि में नहीं आया है। ठीक है, फिर इतनी सी लाइन ध्यान रखना, इति तंत्रे संज्ञा, ये वर्ड किसके लिए आता है, ये पंच कषाय योनियों के लिए आता है। जैसे लिखा हुआ था ना इत्युक्तम कारणम, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो ये किसके लिए आया था, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आंसर मैं सेकंड स्लाइड पे दूंगी, तब तक आपको याद हो जाना चाहिए कि इत्युक्तम कारणम किसके लिए आया था फर्स्ट चैप्टर में, और ये इते तंत्र संज्ञा यहाँ पे दिया गया है। इते तंत्र संज्ञा का मीनिंग आया पंच कषाय योनियों के लिए। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया कि इसमें लवण को कल्पना नहीं माना गया है। आगे नेक्स्ट आते हैं अपन, यहां से पंचविध कषाय कल्पना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो एक तो पहली चीज कि चरक ने कितनी कषाय कल्पना मानी है, 5, पहली चीज ये क्लियर हो गई। फिर दूसरी, स्वरस कल्क, इस श्रत का मतलब है क्वात, ठीक है, तो उसके लिए श्रतवर्ण, स्वरस कल्क क्वात यश्रत शीत और फंड, ये 5 कषाय कल्पना होती है, ये क्लियर हो गया। अब अगर आप सुश्रुत देखो तो सुश्रुत ने एक कल्पना और एड कर दी है, और वो कल्पना है शीत। ठीक है, और शीर को जब वो कल्पना आप पढ़ोगे ना, तो सुश्रुत की कभी भी याद रखनी है तो शीर को सबसे आगे रखना, फिर स्वरस कल्क शिक्षित फांड लिखना, क्योंकि इसका कारण क्या है वो मैं आगे चल के बताऊंगी। ठीक है, अब बागवत ने एज इट इज चरक की 5 ही कल्पना बताई है, वो लिखते हैं रस कल्क श्रत शीट फांड। ठीक है, स्वरस को रस लिख दिया उन्होंने, बस सिमिलर ही है, 5 कल्पना है। फिर आते हैं काश्यप के ऊपर, तो काश्यप ने 7 कषाय कल्पना बताई है, 5 में वो 2 कल्पना एक्स्ट्रा ऐड करता है, वो 2 कल्पना कौन सी है, चूर्ण और अभिशव। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि चूर्ण और अभिशव कल्पना किसने बताई है, तो वो काश्यप ने बताई है, वो 7 कषाय कल्पना बताते हैं। शीर कल्पना किसने बताई है, सुश्रुत ने बताई है। वाग्भट ने कितनी कल्पना, 5। चरक ने कितनी कल्पना, 5 बताई है, ये क्लियर हो गया यहाँ से।
अब आते हैं एक एक कल्पना के ऊपर। तो शारंगधर ने डिफरेंट इनके परिभाषा बताई है, लेकिन वो अभी यहाँ पे नहीं करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अभी अपन एक एक कल्पना को जो चरक के अनुसार है वो देख लेते हैं। अगर आपसे हो सकता है तो ये तो एटलीस्ट 5 कल्पनाओं की कोटेशन आपको लर्न करनी ही है। अब कोटेशन देखिए, स्वरस का लक्षण क्या बताया, यंत्र निष्पीड़ितात् द्रव्यात् रसः स्वरस उच्यते, कि यंत्र से निष्पीड़ित करके, या मतलब जैसे कपड़े में किसी चीज को डालकर, यकूट अपन ने कोई चीज कर ली उसको, जैसे अपन बोले कि ना हरी कोई चीज है उसको यकूट करके फिर यंत्र से निष्पीड़ित करके जो रस निकलेगा उसको स्वरस बोल देंगे, मतलब जूस है ये, एक्सप्रेस्ड जूस है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इतना सही ध्यान रखना, इसमें से कोटेशन का हल्का सा पार्ट रस वाला गायब करके आपसे पूछा जाएगा कि ये किसके लिए आया है। तो ये यहाँ पे ये कहना चाह रही हूं मैं कि एटलीस्ट ये 5 कषाय कल्पनाओं की कोटेशन तो आप चरक की तो लर्न कीजिए, ताकि आपको 5 कषाय कल्पना हमेशा के लिए क्लियर रहेंगी, शारंगधर का कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर रहेगा। तो ये स्वरस के लिए आ गया। नेक्स्ट इसके आगे देखिए, इसके बाद आते हैं कल्क कल्पना पे। तो कल्क क्या है, चटनी बनाना कल्क है। तो यह पिंडो रस पिष्टानाम सा कल्क परिकीर्तिता है, कि कोई भी पिंड अपन ले उसमें थोड़ा सा कुछ जल वगैरह ऐड करके उसका पीठी बनाते हैं, उसको पीसते हैं, तो उसको कल्क कहा जाता है। तो ये कल्क कल्पना हो गई। फिर इसके बाद आता है एक चीज इसमें कल्क कल्पना के अंदर ध्यान रखना कि प्रक्षेप और आवाप इसके पर्याय दिए गए हैं। ठीक है, प्रक्षेप प्लस आवाप, ये चीज अभी से ध्यान रखो कि ये कल्क के पर्याय है। फिर आता है क्वाथ कल्पना। तो क्वाथ डिकॉक्शन बनाना है, जैसे चाय उबालते अपन, तो वहनी पे मतलब इसमें अग्नि का संयोग हो गया, तो ये भी पूछ सकते हैं कि अग्नि का संयोग कौन सी कल्पना में होता है। वहनी पे कोई चीज का क्वथन करना, उबालने को हम क्या कहते हैं, क्वाथ कल्पना कहते हैं, जिसको कि श्रत वर्ड से बोला गया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, द्रव्याद पोथिता तोय, पोथिता तोय मतलब द्रव्य को कूट दिया अपन ने, फिर तत् पुनः निशि संस्थितात् उसको रात भर रख दिया, कषायो यो अभिनिर्याति, तो इस तरीके का जो कषाय है उसको शीत कषाय कहा जाता है। कूटे हुए द्रव्य को अपन ने शीतल जल में रात भर भर के रख दिया है, तो इस तरीके से जो कल्पना कहलाती है वो शीत कल्पना कहलाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं फांट कल्पना के ऊपर। तो फांट कल्पना के लिए क्या लिखा है, क्षिप्त उष्ण तोय मृदितम तत् फांटम परिकीर्तितम, कि अगर कोई यौकुट चूर्ण है, यौकुट चूर्ण है उसके अंदर क्या करें, अपन गर्म पानी डाल दे, जैसे अपन रेडी टू ईट सूप वगैरह आते हैं ना, तो वो चूर्ण है उसके अंदर गर्म पानी डालती है वो पूरा सूप बन जाता है। तो इस तरीके की जो कल्पना है उसको फांट कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें दो छोटी छोटी चीजें इन कल्पनाओं के बेसिस पे आप याद रखो। देखो, हिम शीत कल्पना को अपन हिम कल्पना बोल सकते हैं, हिम में हा को 6 पढ़ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना हिम कल्पना में जो पानी बताया जाएगा वो 6 गुना पानी बताया जाएगा। ठीक है, और फांट में फ दिख रहा है और फ से क्या होता है, फोर। ठीक है, तो जो फांट कल्पना में पानी बताया जाएगा वो 4 गुना बताया जाएगा। ठीक, साथ में ये ध्यान रखो कि चूर्ण दर चूर्ण द्रव ये फांट का पर्याय है, जैसे प्रक्षेप और आवाप कल के पर्याय बताए थे, इसी तरीके से चूर्ण द्रव जो है ये फांट का पर्याय है। ये क्लियर हो गया, जल की मात्रा क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद देखिए ये जो कषाय कल्पना, इसके लिए लिखा है तेषाम यथा पूर्वम बलाधिक्यम, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसमें ये जो यथा पूर्व है ये बलाधिक्य को प्राप्त होती है, मतलब स्वरस सबसे बलवान कल्पना है, फिर कल्क है, फिर क्वात है, फिर हिम है और फिर फांट है। बलवान का मतलब ये है कि स्वरस जो कल्पना है वो पचने में सबसे ज्यादा भारी है, वो सबसे ज्यादा गुरु है। और अगर सुश्रुत में इसका क्रम पूछा जाए, तो मैंने कहा था ना कि स्वरस कल्क क्वात के आगे शीर रखना, तो शीर स्वरस से भी बलवान है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो शीर कल्पना है सबसे ज्यादा बलवान, फिर स्वरस आती है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, लेकिन चरक ने शीर माना ही नहीं है, तो स्वरस कल्पात शचित फांटिये इत्सेट्रा, इस तरीके से अपन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्याधि आतुर बलापेक्षणी, जो ये कषाय मात्रा होती है, जो कल्पनाएं होती है, ये व्याधि और आतुर इन दोनों के बल की अपेक्षा करती है। जैसे अपन ने पढ़ा था कि आगे चल के 5th चैप्टर में पढ़ोगे कि आहार मात्रा जो होती है वो किसकी अपेक्षा करती है, अग्नि बल की अपेक्षा करती है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि कषाय कल्पना व्याधि आतुर के बल की अपेक्षा करती है, जबकि आहार की मात्रा अग्नि बल की अपेक्षा करती है। फिर लिखते हैं न तु एवं खलु सर्वाणि सर्वत्र उपयोगानि भवन्ति, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कषाय कल्पना के लिए रेफरेंस आया है ये। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी ये सारी मात्राएं बताई गई है, तो ऐसा नहीं कि सबको सबके लिए यूजफुल है, ये अकॉर्डिंग टू पुरुषम पुरुषम वीक्षित के सिद्धांत पे चलेगी। तो न तु
एवं खलु सर्वाणी सर्वत्रुपयो ज्ञानी भवन्ति, ये किसके लिए आया है? कषाय कल्पनाओं के लिए आया है, ठीक है। तो ये यहाँ तक का जो टॉपिक है ना, थोड़ा सा ये जो चैप्टर 50 महाकषाय वाला पड़ेगा उससे थोड़ा डिफरेंट था, तो इसको मैंने फर्स्ट पार्ट में रखा है। अब अपन इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो 50 अपने जो महाकषाय है उसके ऊपर स्टार्ट करेंगे। इसलिए ये जो टॉपिक है ये डिफरेंट है, इसको फर्स्ट पार्ट में अपन ने यहाँ तक डिस्कस किया। इसमें 5 जो कषाय कल्पना है इनको एज इट इज आपको लर्न करना है। जो छोटी सी 2-3 ट्रिक एक्स्ट्रा बताइए वो याद रखिए, बाकी अपन एक्स्ट्रा जो पढ़ेंगे वो शारंगर में पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ में जो 600 योग है उसमें से पर्टिकुलर किस द्रव्य के मदन फल इंसेक्ट के कितने योग है वो भी आपको एज इट इज मेमोर। अब यहाँ से मेन पार्ट स्टार्ट होता है इस अध्याय का, दैट इज 50 महाकषायों के बारे में, ठीक है। तो इन 50 महाकषायों में कितने कितने कषायों के कितने कितने वर्ग है वो हम यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो बताया है कि एक तो वापस से वही चीज कि महाकषाय पूछा जाता है और कषाय पूछा जाता है तो उसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। 50 जो संज्ञा है वो महाकषाय को दी गई है जबकि 500 जो है वो कषाय के लिए आता है, ठीक है। तो ये क्लियर रखना पहली चीज, ठीक। नेक्स्ट देखो, सबसे पहला महाकषाय कौन सा है? जीवनीय महाकषाय, ठीक है। और सबसे लास्ट महाकषाय कौन सा है? वय स्थापन महाकषाय, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट सबसे लास्ट, एक तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है कि ये जो महाकषाय है जैसे देखो जीवनीय, ब्रह्मणीय, लेखनीय, भेदनीय, संधानीय, दीपनीय, तो ये देखो सिमिलर लग रहे हैं ना, ये तो ये 6 कषायों का वर्ग है, ठीक है। तो ये इसमें ये पूछा जाता है कि कितने कितने का वर्ग में, जैसे षटक वर्ग में कौन आता है ना, सप्तक में कौन आता है, चतुष्क में कौन आता है, त्रिक में कौन आता है, तो ये अपन देखते हैं। यहाँ से आगे एक पूरी सारणी मिलेगी उसमें से अपन उसको लर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे छोटी सी एक चीज देखना, कषायाणाम लक्षण उदाहरणार्थ व्याख्याता भवंती। तो इसमें क्या करेंगे कि इस कषायाणाम को तो हटा देंगे और केवल इतना सा दे देंगे, लक्षण उदाहरणार्थ व्याख्याता भवंती, ये चरक में किसके लिए आया है? तो ये कषाय कल्पना के लिए आया है, ये अपने को यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो महाकषाय है, सब महाकषायों में 10 अवयव है उनके, है ना, तो उसको धीरे धीरे आगे जो है वो व्याख्यान किया जाएगा, क्लियर। अब देखो ये टेबल किस कितने कितने वर्ग है वो अपन इस टेबल से क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले देखो जीवनी आदि वर्ग है जिसमें कि 6 कषायों का वर्ग है, जैसे जीवनीय, ब्रह्मणीय, लेखनीय, वेदनीय, संधानीय और दीपनीय। इसको केवल जस्ट एक बार रीडिंग लगा लो ताकि आपको ऐसे पता चल जाए कि इनके 6 वर्ग है। फिर बल्य वाले है ना, बल्य है, वर्ण है, कंठ है, हृदय है, ये चतुष्क में आता है, ये 4 के प्रेयर में आता है। फिर देखो ये जो गग अग्नि ये लास्ट में लग रहा है, ये 6 के अंदर अगर आएगा, तृप्तिग्न, अर्शोग्न, तुष्टग्न, कंडुग्न, ठीक है। फिर आते हैं शोधन वाले, जनन वाले, ये 4 चीजें, एक तो स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, शुक्र जनन, शुक्र शोधन, बस। अब ये पग वाले 7 है, तो ऐसे याद रख लो 7 पग होते हैं, तो शिरो विरेचनो पग, स्नेहो पग, स्वेदो पग, स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, शुक्र जनन, शुक्र शोधन, बस। अब ये पग वाले 7 है, तो ऐसे याद रख लो 7 पग होते हैं, तो शिरो विरेचनो पग, स्नेहो पग, स्वेदो पग, वमनो पग, विरेचनो पग, आस्थापनो पग, अनुवासनो पग, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आगे देखिए, 3 जो है वो निग्रहण वाले हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, त्रिक का बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो त्रिक निग्रह या त्रिनिग्रह ऐसे याद रखना, तो छर्दी, तृष्णा, हिक्का, और ये में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा निग्रह में नहीं है, तो वो 4 ऑप्शन में आराम से फिट हो जाता है, तो छर्दी, तृष्णा और हिक्का, ये 3 निग्रहण वाले जो कषाय वर्ग है उसका वर्णन किया गया है। फिर 5 में देखो 4 आते हैं, देखो पुरुष संग्रहणीय, पुरुष विरजनीय, मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरजनीय और मूत्र विरेजनीय, तो मूत्र के 3 टाइप है, पुरुष के 2 है। फिर कासर, श्वासर, शोथर, ज्वरहर, श्रमहर, ये हर वाले 5 है, तो हर हर महादेव, तो ये 5 आते हैं, 5 हर, ऐसे याद रखना, ठीक है। या 5 चीजों का पहले संग्रहण हो गया, अब 5 हर हो गया। अब 5 का क्या है कि देखो, दाह प्रश्मन, शीत प्रश्मन, उदर प्रश्मन, अंगमर्द प्रश्मन, शूल प्रश्मन, तो 5 क्या हो गया, प्रश्मन वाले हो गए। फिर नेक्स्ट आता है स्थापन, तो 5 ही इसमें स्थापन है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, शोणित स्थापन, वेदना स्थापन, संज्ञा, प्रजा, व्यय स्थापन। तो 5 में क्या क्या है, संग्रह है, हर है, प्रश्मन है, स्थापन है, 7 पग वाले हैं, 3 का निग्रहण वाला है, चर्दी, हिक्का, तृष्णा, निग्रहण, ठीक है, जनन, शोधन, शुक्र और स्तन्य के लिए आता है। 6 के वर्ग में 2 चीजें आती है, एक तो जीवनीय, ब्रंगणीय वाला, एक तृप्तिग्न, अर्शोग्न वाला, ठीक है। और चतुष्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ पे क्या है, बल्य, वर्ण, कंठे और वृत्ति, एक तो जनन शोधन वाला चतुष्क है और एक इस तरीके का
चतुष्क है। तो ये तो थोड़ा सा बस आपको है ना इस पे ध्यान देना है, मेन अपन को फोकस करना है एक एक महाकाशाय के ऊपर। तो मैंने जो ये पूरे 50 महाकाशाय है, इन पूरे 50 महाकाशायों को ट्रिक से समझाना यहाँ पे जरूरी समझा है। रीजन बिंग की यहाँ पे क्या है, कुछ द्रविगुण के क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो जाते हैं। दूसरी चीजें क्या है कि आजकल डिटेल में पेपर बन रहा है, तो कहीं भी किसी भी महाकाशाय का कोई सा भी द्रव्य उठा के दे देते हैं या क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप कर देते हैं कि इसमें कौन सा द्रव्य इस महाकाशाय का नहीं है। तो आपको एटलीस्ट महाकाशाय याद रखना है। सिंपल सी ट्रिक यहाँ पे ये है कि आपको डेली के 5 ट्रिक याद करनी है, 5 महाकाशाय याद करने हैं, ताकि 10 दिन में आपके पूरे 50 महाकाशाय हो जाएं, ठीक है। तो ज्यादा ऐसा मत करना कि एक ही दिन में सारे महाकाशाय याद कर ले, हम 5-5 महाकाशाय आप याद करते हुए चलिए। दूसरे दिन वापस से 5 को रिवाइज करिए, 5 आगे के पढ़िए, तो बिल्कुल ये टिप्स पे याद हो जाएंगे आपको महाकाशाय। कुछ भी उसमें ज्यादा 3-5 करने की अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए जीवनीय महाकाशाय, बड़ा इंपॉर्टेंट महाकाशाय है, इसको तो एज इट इज आपको लर्न ही करना है, लर्न ही करना है, इसके अलावा कोई तरीका मत निकालना इसके अंदर। उसके मैं फायदे बताती हूँ। इसको अगर आप याद करोगे तो एक तो आपको जीवनीय महाकाशाय याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज आपको अष्ट वर्ग के द्रव्य याद करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज जो भाव प्रकाश ने जीवनीय गण बताया है वो आपको इसके साथ साथ याद हो जाएगा। तो 3 फायदे हैं इस कोटेशन को लर्न करने के लिए, इसलिए इसको एज इट इज लर्न करना है। जीवक ऋषभक मेधा महामेधा काकुली शीर काकुली मुग्ध पर्णी माश पर्णी जीवंती और मुलैटी, ये जो महाकाशाय है ये जीवनीय महाकाशाय है, ठीक है। पहला महाकाशाय है, लर्न करना है एज इट इज। अब देखो ये तो जीवनीय महाकाशाय के द्रव्य 10 आपके सामने है। अब अष्ट वर्ग के द्रव्यों में क्या होगा कि ये जो शुरू के 6 द्रव्य हैं, जीवक ऋषभक मेधा महामेधा काकुली शीर काकुली, इन 6 द्रव्यों के साथ अगर 1-2 द्रव्य वृत्ति और वृद्धि इनको जोड़ दिया जाए तो वो बन जाते हैं अष्ट वर्ग के द्रव्य, ठीक है। तो अष्ट वर्ग के द्रव्य क्या हो गए, जीवक ऋषभक मेधा महामेधा काकुली शीर काकुली, 6 आगे के द्रव्य और साथ में वृद्धि और वृद्धि, तो ये अष्ट वर्ग के द्रव्य याद हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं जीवनीय गण पे। तो जीवनीय गण में ये जो 10 महाकाशाय के द्रव्य हैं, ठीक है, इसके अंदर अगर वृद्धि वृद्धि को जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, जीवनीय गण, ठीक है। तो जीवनीय गण में टोटल है 12 द्रव्य, उसमें ये 10 महाकाशाय के द्रव्य के साथ वृद्धि वृद्धि ऐड किया जाता है, और अष्ट वर्ग के द्रव्यों में 6 जो शुरू के महाकाशाय के द्रव्यों के साथ वृद्धि और वृद्धि को ऐड किया जाता है। तो यहां से क्लियर हो गया क्या महाकाशाय है, क्या गण है, क्या अष्ट वर्ग है, क्लियर है। अब इसके बाद देखो ये जो जीवनीय महाकाशाय है, इसमें जब आप भाव प्रकाश देखेंगे तो उन्होंने क्या है कि एक एक ये जो द्रव्य है ना, इनके प्रतिनिधि द्रव्य बता रखे हैं, ठीक है, कि इनके स्पेस पे आप क्या यूज में ले सकते हो। तो उसके लिए आप एक ट्रिक लिख लीजिए, विदारी वरी अश्व वराही, ये बहुत क्वेश्चन आता है, कई बार आया हुआ है, ठीक है, विदारी वरी अश्व वराही, ठीक है। तो आपको ये कोटेशन लर्न है, तो इस कोटेशन को लिखते चलो। देखो जीवक ऋषभक, इसके नीचे 2 द्रव्य लिख दिए, जीवक ऋषभक, वरी के नीचे 2 द्रव्य लिखो मेधा महामेधा, ठीक है, अश्व के नीचे 2 द्रव्य लिखो काकोली शीर काकोली, काकोली शीर काकोली, ठीक। इसके नीचे वराही के नीचे 2 द्रव्य लिखो मुग्ध पर्णी माश पर्णी, सॉरी वराही के नीचे आपको लिखना है रिद्धि वृद्धि, अष्ट वर्ग के द्रव्य से चलेगा रिद्धि और वृद्धि, ठीक है, ये याद हो गया। तो जीवक ऋषभक मेधा महामेधा काकोली शीर काकोली रिद्धि वृद्धि, ये वराही के नीचे लिखना है आपको। तो यहाँ पे विदारी कंद जो है वो जीवक ऋषभक के स्थान पे प्रयुक्त करा जाता है, वरी मतलब शतावरी, शतावरी का प्रयोग मेधा महामेधा के स्थान पे कर सकते हो, अश्व का मतलब है अश्वगंधा, अश्वगंधा का प्रयोग काकोली शीर काकोली के स्पेस पे कर सकते हैं, प्रतिनिधि है रिद्धि वृद्धि का प्रतिनिधि है वराही कंद, ठीक है। तो ये 4 द्रव्य बार बार क्वेश्चन आता है, शतावरी किसके स्थान पे प्रयुक्त होता है, अश्वगंधा किसके स्थान पे प्रयुक्त होता है, शीर काकोली के स्थान पे आप क्या प्रयोग में लेंगे, वृद्धि के स्थान पे आप क्या प्रयोग में लेंगे, भाव प्रकाश ने जीवक के स्थान पे क्या प्रतिनिधि द्रव्य बताया है। तो ये भाव प्रकाश का इंडिकेशन है, अष्ट वर्ग के प्रतिनिधि द्रव्य हमें यहाँ से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो काफी सारे क्वेश्चन अपन ने इस जीवनीय गण के यहाँ से क्लियर कर लिए हैं, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इसमें देखो एक छोटी सी चीज यहाँ पे बताई गई है कि जो जीवनीय वर्ड आता है ना, ये आयु के लिए आता है। तो आयु तस्मे हितम जीवनीयम,
ये चक्रदत्त की रेफरेंस है, तो ये भी ध्यान रखना कि चक्रदत्त ने जीवनम के लिए क्या बताया है कि जो आयु के लिए हितकारी होता है वही जीवनीय कहलाता है। और इसमें जब अपन 25वां अध्याय पढ़ेंगे ना, जहाँ पे अग्रह बता रखे हैं, तो वहां पे प्रवर बता रखा है जीवनीय में दुग्ध को, तो दुग्ध को जीवनीय में अग्रह बताया है 25वें अध्याय में। और यहाँ पे जो ये जीवनीय महाकाशा है इसमें लेकिन दुग्ध का वर्णन नहीं है, ये भी अपने को यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया यहाँ से। सबसे पहली बात, 10 महाकाशा याद रखने हैं, उससे अपने को अष्टवर्ग याद हो जाएगा, उससे जीवनीय गण याद हो जाएगा, अष्टवर्ग के प्रतिनिधि द्रव्य याद हो जाएंगे। तो ये पहला महाकाशा अपन ने यहाँ से फिनिश कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहीं पे बता देती हूँ। कई बार ये पूछा जाता है कि इन महाकाशायों में सर्वाधिक बार कौन सा द्रव्य आ रहा है, तो सर्वाधिक 11 बार जो द्रव्य आया है दैट इज मधुक। ठीक है, ये ध्यान रखना कि मधुक यानी मुलैठी जो है वो सबसे ज्यादा 11 बार द्रव्य आया है, उसके बाद 9 बार आता है पिप्पली। तो ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी यहाँ पे आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं कौन सा महाकाशाय है। इसके बाद आते हैं भ्रंगणीय महाकाशाय में। तो भ्रंगणीय, जैसे अपन अग्रह जब पढ़ेंगे तो मास को लिखा है मासम भ्रंगणीय नाम, तो मास को क्या है अग्रह बताया गया है भ्रंगणीय द्रव्यों में। ठीक है, पर यहाँ पे कोटेशन में 10 द्रव्य कौन से हैं, इनको आप कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए देखो यहाँ पे क्या है, तीन चीजों का पेयर है, पेयर है ऐसे याद रखो। तीन चीजों का पेयर क्या है, मतलब भ्रंगण करने के लिए तीन जोड़े हैं, पहले तो ऐसे याद रखो, तो 6 द्रव्य याद हो जाएंगे। तो तीन जोड़े किसके हैं, देखो काकोली शीर काकोली दिख रहा है आपको इसके अंतर्गत, काकोली और शीर काकोली, ये हो गया। फिर वात्यायनी भद्रोदनी, वात्यायनी और भद्रोदनी दिख रहा है पेयर, वाट्यायनी श्वेतवला भद्रोदनी पीतवला को बोला जाता है, तो वाट्यायनी श्वेतवला भद्रोदनी पीतवला ये दूसरा पेयर। तीसरा पेयर याद रखो शीर विदारी और पयस्या, शीर विदारी और पयस्या, तो भ्रंगण करने के लिए तीन जोड़े आते हैं, ऐसे याद रखना तीन जोड़े आते हैं, तो काकोली शीर काकोली वाट्यायनी भद्रोदनी शीर विदारी पयस्या, तो यहां से कितने द्रव्य याद हो गए, 6 द्रव्य याद हो गए। ठीक है, फिर ये जो तीन जोड़े जो आते हैं ना, इनको लेके कौन जाता है, वो लेके जाते हैं राजा भरद्वाज, राजा भरद्वाज अश्व ऋषि। ठीक है, तो ये पूरी ट्रिक आप ऐसे याद रख सकते हो, राजा भरद्वाज अश्व ऋषि लेकर भ्रंगण करने के लिए तीन जोड़े लाए, ऐसे याद रख सकते हो। तो राजा से क्या होगा, राजशवक। ठीक है, राजा से राजशवक, फिर भरद्वाज से भरद्वाजी, भरद्वाजी ये भी ध्यान रखना है ये वन कपास को बोला जाता है, अश्व से अश्वगंधा और ऋषि से ऋषिगंधा। ठीक है, तो राजा भरद्वाज अश्व ऋषि, अश्व से अश्वगंधा और ऋषि से ऋषिगंधा, ये दिख रहा है आपको, ऋषिगंधा है इसके अंतर्गत, अश्वगंधा है इसके अंतर्गत। ठीक है, अश्वगंधा दिख रहा है ना लिखा हुआ, तो ये भी पूछ सकते हैं कि अश्वगंधा किसका द्रव्य है, इनमें से कौन सा महाकाशाय है, तो ये जब भी सॉल्व होंगे जब आपको महाकाशाय याद होंगे। तो यहाँ पे क्लियर है कि आप ऐसे याद रखो, राजा भरद्वाज अश्व ऋषि लेकर कहाँ गए थे, भ्रंगण कराने गए थे तीन जोड़ों का, ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो तीन जोड़े काकुली शीर काकुली वाट्यायनी भद्रोदनी शीर विदारी पयस्या, और राजा से राजशवा, भरद्वाज से भरद्वाजी, अश्व से अश्वगंधा और ऋषि से ऋषिगंधा। क्लियर है, तो ये 10 द्रव्य याद हो गए। अब इसमें चीज याद रखना, राजशवक जो है वो दुग्धिका को बोला है चक्रपाणि ने। ठीक है, वाट्यायनी श्वेत बला को बोला जाता है, भद्रोदिनी भद्र पीला, पीला भद्र होता है तो पीत बला को भद्रोदिनी बोला गया है, भरद्वाजी वन कपास के लिए आया है। ठीक है, और ऋष्यगंधा विदारा के लिए यूज में होने वाला वर्ड है, तो ये आपको याद हो गया भेदनीय महाकाशाय। क्लियर है ये, सॉरी भेदनीय नहीं, भ्रंगणीय महाकाशाय, मिस्टेकन स्लिप ऑफ द टंग हो गया है, भ्रंगणीय महाकाशाय। क्लियर, अब इसके आगे देखते हैं कौन सा महाकाशाय है। इसके बाद देखिए सब आता है लेखनीय महाकाशाय। ठीक है, तो लेखनीय महाकाशाय की एक शारंगर का छोटा सा अपन रेफरेंस देख लेते हैं कि शारंगर ने लेखन किसको बोला है। ठीक है, तो देखो धातून मलान व देहस्य विशोष लेखियत, जो धातु मल और देह का विशोषण करके शरीर का लेखन करती है उसको क्या कहते हैं, लेखन कहा जाता है, मतलब शरीर से फैट को डिसॉल्व करेंगी। तो उसमें एग्जाम्पल उन्होंने दिए शौद्रम मधु, नीरम उष्णम गर्म पानी, बच्चा और यव। इसलिए आजकल फैशन चला है कि सुबह उठते गर्म पानी पीना चाहिए ताकि वो फैटी ना हो पेशेंट, है ना, लेकिन ये इसका थोड़ा कंसेप्ट अलग जाता है। आप बस एग्जाम्पल ध्यान रखो कि शारंगर ने धातुन मलान देहस्य विशोषी वर्ड किसके लिए लिखा है, ये लेखन के लिए लिखा है।
फिर उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है, शौद्र नीरम उष्णम वज्जा और यम। ठीक है, ये क्लियर हो गया लेखन के बारे में। अब आते हैं अपने लेखनीय महाकाशाय में। अब लेखनीय महाकाशाय को आप कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए ट्रिक लिख लीजिए। देखो ट्रिक क्या है यहाँ पे, आपको याद रखना है मस्त मस्त कूट हरिद्रा, मस्त कूट हरिद्रा। ठीक है, साथ ही साथ में दारू हरिद्रा, मस्त कूट हरिद्रा दारू हरिद्रा, चिची कटु वाह। ठीक है, ये की ट्रिक है, मस्त कूट हरिद्रा दारू हरिद्रा चिची कटु वाह। तो मस्त से हो गया मुस्ता, कूट से हो गया कुष्ठ, हरिद्रा दारू हरिद्रा दोनों द्रव्य है, ची ची इससे होगा चित्रक और चिरबिल्लो, कटु से होगा कटुरोहिणी, और वी ए एच जो वाह है ना इससे है बचा अतिविषा और हेमवती। ठीक है, बचा अतिविषा और हेमवती। ठीक है, तो ये आपको लेखनीय महाकाशा याद हो गया, मस्त कूट हरिद्रा दारू हरिद्रा चिची कटु वाह, चित्रक चिरबिल्व कटुरोहिणी वचा अतिविशा हेमवती। और वैसे आप देखोगे ना तो ये क्वेश्चन आता है कि वचा के दो भेदों का वर्णन किस महाकाशाय में, तो ये देखो वचा और हेमवती जो है ये सफेद वचा को बोला जाता है, तो ये इसके दोनों भेद है, ये लेखनीय महाकाशाय में आ रहा है। लेखनीय महाकाशाय में सिंपल सी बात है, उष्ण तीक्ष्ण इस तरीके के द्रव्य आएंगे जो शरीर का लेखन करेंगे, है ना, वेट रिड्यूसिंग ड्रग आएगी इसके अंतर्गत। अब इसमें हरिद्रा के दोनों है, हरिद्रा दारू हरिद्रा, ये भी चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो कटुरोहिणी आ रहा है ना, ये कटुरोहिणी आ रहा है कुटकी के लिए, तो इससे पर्याय से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो कटुरोहिणी इज स्टैंड फॉर कुटकी। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अपन आज के सेशन का लास्ट जो महाकाशाय है, दैट इज भेदनीय महाकाशाय। ठीक है, सॉरी लास्ट नहीं है, ये सेकेंड लास्ट महाकाशाय है। अब भेदनीय महाकाशाय को याद रखने की ट्रिक देखिए, देखो इसकी थोड़ी सी अलग सी ट्रिक है, शंख से सुबह उठकर, ठीक है अपन शंख से उठ जाते हैं ना, तो शंख से सुबह उठकर स्वर्णमुखी ने, किसने, स्वर्णमुखी ने, स्वर्णमुखी ने त्रिचा को, त्रिचा चित्रानी त्रिचा को शकुलादिनी, शकुलादिनी अर्क दिया। अब भेदन करने के लिए क्या करेंगे, सुबह सुबह ही भेदन किया जाएगा ना, तो सुबह सुबह वाली ट्रिक है ये भेदनी महाकाशाय की है। तो पहले तो ये ट्रिक याद रख लो, शंख से सुबह उठकर स्वर्णमुखी ने त्रिचा को शकुलादिनी और अर्क दिया। ठीक है, तो शंख से आपको याद हो जाएगा शंकिनी, सुबह से हो जाएगा सुवहा, उठकर से हो जाएगा उरुबक। ठीक है, स्वर्णमुखी, स्वर्णमुखी से आपको याद रखना है, ये जो मुखी वर्ड है ना, ये मुखी वर्ड आया है अग्निमुखी के लिए। ठीक है, अग्निमुखी इन्होंने, और फिर स्वर्ण से हो गया स्वर्णशीरी, फिर त्रिचा को, त्रिचा का मतलब है तीन चित्रक, ची से चलने वाली चीजें हैं, तो वो क्या है, चित्रा चित्रक और चिरबिल्व, चित्रा चित्रक और चिरबिल्व। ठीक है, इनको क्या दिया है, शकुलादिनी और अर्क, ये तो नाम ही है शकुलादिनी और अर्क। तो इस तरीके से अपने को याद हो गया भेदनीय महाकाशाय। तो 10 कंटेंट क्या हो गए, शंखिनी सुवाहा से क्या हो गया, सॉरी सुबह से क्या हो गया सुवहा, सॉरी सुबह से क्या हो गया सुवहा, उठकर तो उठकर से है उरुबक, फिर स्वर्णमुखी, स्वर्णमुखी से स्वर्णशीरी अग्निमुखी, त्रिचा से चित्रा चित्रक चिरबिल्व शकुलादिनी और अर्क। ये 10 कंटेंट हो गए भेदनीय महाकाशाय के। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा और ध्यान दे लो कि भेदनीय में क्या क्या याद रखना है। सबसे पहली चीज देखो, भेदनीय महाकाशाय में आप ये ध्यान रखो, जो ये मुखी लिखा हुआ है ना, तो अपन ने इसको अग्निमुखी से ध्यान रखा है, तो वैसे आपको जैसे कंपैरेटिव स्टडी करके बता देती हूँ, जो ये अग्निमुख ये वर्ड आता है, एक केवल मुखी वर्ड आता है। ठीक है, और तो ये अग्निमुख जो आता है ना वर्ड, ये आता है भल्लातक के लिए। ठीक है, और मुखी नॉर्मली जो लिया जाता है दैट इज फॉर लांगली। ठीक है, तो अग्निमुख से भल्लातक और मुखी से लांगली, ये क्लियर हो गया। इस लांगली को ही अग्निमुखी लिखा गया और इसी को कलिहारी भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना पर्यायों में, पर्यायों से बहुत क्वेश्चन आते हैं, द्रव्य गुण के यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं बार बार इनको रिवाइज करवा रही हूँ आपको। शकुलादिनी जो वर्ड आया है, अगेन कटुरोहिणी कुटकी के लिए आया है। ठीक है, उरुबक, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि उरुबक किसको बोला जाता है, उरुबक जो है वो एरेंड के लिए आता है। ठीक है, चित्रा चित्रक चिरबिल्व शंकिनी श्वेत सुवाहा के लिए आता है, एक निषोध के लिए इसमें द्रव्य आए हैं, तो ये सब जो है ये भेदनीय द्रव्य है,
दस प्रकार के, ठीक है। तो ये कंपैरेटिव क्वेश्चन भी यहाँ से अपन ने देख लिए। अब आते हैं लास्ट महाकाशाय, दैट इज संधानीय, और संधानीय महाकाशाय को एज इट इज आपको लर्न करना है, क्योंकि इसके सिमिलर द्रव्य बहुत सारे महाकाशाय में आएंगे, तो हमको क्या है कंफ्यूज नहीं होना, ट्रिक में अपन कंफ्यूज हो जाएंगे अगर इसकी ट्रिक बनाने बैठेंगे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसलिए जीवनीय याद करना, उसके बाद जो संधानीय महाकाशाय है उसको आपको याद रखना है। अब इसके आगे की लाइन, कोई बच्चा ऐसा होता है कि जिसको श्लोक की आगे की लाइन याद नहीं रहती, फिर आगे का पूरा श्लोक याद हो जाता है, तो उसमें ध्यान रखना कि मीठी मीठी चीजों से अपन क्या करते हैं, संधान करते हैं। तो इसका श्लोक मधु मधु से स्टार्ट होता है, मधु को मधु पढ़नी प्रश्नी पढ़नी अम्बष्ट की समंगा मोचरस धात की लोद्र प्रियंगु कट फला नीति दशमानी संधानियानी भवंती। तो मधु से दिख रहा है मुलैठी है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मधु पढ़नी इस पर्याय ऑफ गिलोय, ये बहुत गिलोय आजकल बहुत फेमस है, तो मधु पढ़नी जो है वो गिलोय का पर्याय होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अम्बिष्ट की बोला जाता है पाठा को, ठीक है। प्रियंगु इसमें कंटेंट है, ये कई बार पूछा जाता है प्रियंगु कौन से महाकाशाय का कंटेंट है, दैट इज फॉर संधानीय, और कटफल कायफर के लिए आया है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोचरस जो आता है वो कौन से महाकाशाय में आता है, तो दैट इज फॉर संधानीय महाकाशाय, ठीक है। शालमली का जो निर्यास होता है उसको मोचरस बोला जाता है, तो ये क्रॉस क्वेश्चन भी आपको कर सकते हैं कि ये कहाँ पे आया है, तो दैट इज फॉर संधानीय महाकाशाय। वापस से रिवाइज कर लो, मधुक मधुपर्णी प्रश्नी पर्णी अम्बष्ट की समंगा मोचरस धात की लोद्र प्रियंगु कट फलानिति, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक समंगा वर्ड जो है ना, ये समंगा मंजिष्ठा के लिए आया है, मंजीत के लिए आया है, तो क्रॉस क्वेश्चन भी अपने को यहाँ से क्लियर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पांच शुरू के महाकाशाय अपन ने फिनिश करे, थोड़ा यहाँ पे मैंने रिविजन पैटर्न के हिसाब से धीरे पढ़ाया, धीरे इन द सेंस इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको ये जो पांच ट्रिक है ये हाथों हाथ याद रह जाए, बस जैसे ही आप वीडियो क्लोज करें एक बार थोड़ा सा रिवाइज किया और बिल्कुल अपने दिमाग में कंटेस्ट कर ली, इससे ज्यादा अपने को टाइम इस पे वेस्ट करना नहीं है। तो आज की ये जो है, तो अब इसको ऐसे ही नहीं है कि एक ही दिन में सारे महाकाशाय पढ़ने, आपने क्या करना है कि पर्टिकुलर जैसे कोई एक दिन पांच आपने ड्रग याद कर ली, पांच ट्रिक्स याद कर ली, तो उसके बाद दूसरे दिन पांच ट्रिक्स और ले ली, तो ऐसे इसको एक दिन में याद करने की कोशिश मत करना, धीरे धीरे करके जैसे आपके 10 दिन में 50 महाकाशाय इस तरीके से पूरे हो जाने हैं। तो इसका तरीका यह है कि आपको ये चैप्टर फिनिश कैसे करना है, तो आप पांच पांच महाकाशाय की ट्रिक याद करते चलिए, इसको बार बार सुनिए, तो अपने आप वो ध्यान रह जाना है, ठीक है। तो अब इसी नोट के साथ अपन जो ये पार्टीशन थ्री है इस फोर्थ चैप्टर का, वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कौन सा महाकाशाय है यहाँ पे, दीपनीय महाकाशाय, ठीक है। तो दीपनीय महाकाशाय को याद करना सबसे सिंपल है, दीपनीय महाकाशाय में क्या है, षडूषण के द्रव्य है, ठीक है। तो इससे अपने को एक तो चीज ये याद हो जानी चाहिए कि षडूषण किसे कहते हैं, प्लस बी डबल ए एच या बाह, इससे भी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो षडूषण और बाह इससे मिलकर बनता है दीपनीय महाकाशाय। तो षडूषण को अब अपन खोल लेते हैं थोड़ा सा कि षडूषण किसे को कहते हैं। देखो पंचकोल जो है, ठीक है, साथ में स मरीचम, ये जो लिखा हुआ आता है ना ये षडूषण के लिए लिखा आता है। तो पंचकोल के लिए द्रव्य कौन कौन से हैं, पिपली पिपला मूल, देखो यहाँ पे एयरलाइन से दे रखे हैं, पिपली पिपला मूल चव्य चित्रक नागर, ठीक है, ये पंचकोल के द्रव्य हैं। इसमें स मरीचम ये षडूषण के द्रव्य हो गए, तो षडूषण साथ ही साथ में भाव, तो बी से याद रखो भल्लातक अस्थि, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भल्लातक अस्थि वर्ड बोल रही हूँ ना कि भल्लातक, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बिलावे की गुठली का प्रयोग करा गया है, क्योंकि बिलावे की गुठली के लिए आगे जाके देखने को मिलेगा कि इसको अग्नि समम भी बताया गया है, ठीक है। अग्नि समम बताया जा रहा है तभी दीपनीय काम करेगी, तो इसमें यह ध्यान रखना कि दीपनीय महाकाशाय में भल्लातक का प्रयोग है लेकिन बिलावे की गुठली का प्रयोग है, ठीक है। फिर ए से याद रखो अम्लवेतस, ठीक है, एक ए से याद रखो अजमोदा, ठीक है, अम्लवेतस अजमोदा, और एच से याद रखो हिंगु निर्यास, ये क्लियर है। तो यहां से हमें दीपनीय महाकाशाय सबसे सिंपल इसको याद करना है कि षडूषण के द्रव्य याद रखिए, षडूषण में अपने को ये पता चल जाता है कि पंचकोल के साथ मरीच आता है, ये भी षडूषण भी अपने को यहां से ध्यान रह गया, साथ ही साथ में बाह बी डबल ए एच भल्लातक अस्थि है, वापिस ध्यान देना अस्थि बोला जा रहा है यहाँ पे, अम्लवेतस अजमोदा और हिंगू, ठीक है। तो ये आपका दीपनीय महाकाशाय यहाँ पे समाप्त हुआ, क्लियर। अब आगे देखते हैं अपन, इसके बाद देखो बल्य महाकाशाय के ऊपर आते हैं, ठीक है। बल्य मतलब जो टॉनिक्स है, तो टॉनिक्स में देखो इंद्री ऋषभि इस तरीके के द्रव्य है, इसके लिए एक ट्रिक याद रखो एरी अरी, ठीक है, पय अस्थि
रोहे बलि, क्लियर, एरी अरि पय अस्ति रोहे बलि, ऐसे याद रखना कि इंद्र इंद्र से एक तो ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये ऐसे याद रखो, इंद्र अपने आप को बहुत बलवान समझता था, तो ऐसी कौन सी ट्रिक है जो इंद्री से स्टार्ट होती है, तो दैट इज बल्ले माकषाय, ठीक है। फिर इंद्री से स्टार्ट है एरी अरि पय अस्थि रोहे बलि, ठीक है, तो ए से इसमें हो जाएगा इंद्री, ठीक है, री से हो जाएगा ऋषभी, अ से हो जाएगा अतिरसा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, अतिरसा किसको बोला गया है यहाँ पे, शतावरी को बोला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अतिरसा जो वर्ड आया है दैट इज फॉर शतावरी, ठीक है। एरी फिर री से क्या है इसमें, तो री से इसमें ये ध्यान रखना कि ऋषिगंधा, ठीक है, इसको री ऋषि वाला याद रख लो, ऋषिगंधा, ठीक है। फिर आता है पय, तो प से पयस्या, क्लियर। अस्थि जो वर्ड है ना, इससे दो चीजें हैं, एक तो अ से है अश्वगंधा, और स्थि से स्थिर से है स्थिरा, ठीक है, अश्वगंधा और स्थिरा, तो ये दो चीजें अस्थि वर्ड से अपने को ध्यान रखनी। स्थिरा को वापिस से आप देख लीजिए कि स्थिरा किसको बोला गया, जो सरीवन पिटवन होता है ना, उसमें से सरीवन को जो है स्थिरा बोला गया है। फिर रोहे से है रोहिणी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रोहिणी जो है वो कुटकी का पर्याय होता है, कुटकी को क्या नाम है, पिप्रोलाइजा कुरुआ, तो इसको कुटकी को बोला जाता है, ठीक है। फिर बलि, बलि के से ये बल्ले माकषाय, एक तो ये याद रह जाएगा, दूसरी चीज बल्ली से दो बला इसमें बताई गई है, एक तो बला और एक अति बला, ठीक है, तो ये बल्ले माकषाय अपने को यहां से याद रह गया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वापस से ध्यान दीजिए, एरी अरि पय अस्थि रोहे बलि, तो ऐसे हो गया एन्द्री, फिर ऋषभी है ना, अतिरसा, ऋषिगंधा, पयस्या, अश्वगंधा, स्थिरा, रोहिणी और बला अतिबला, ठीक है। रोहिणी बोलते हैं कुटकी को, स्थिरा बोलते हैं सरीवन को, अतिरसा बोला गया है शतावरी को, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको बल्ले महाकषाय में ध्यान रखनी है, ठीक है, ये क्लियर है। अब आते हैं वर्ण्य महाकषाय पे, ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज, ट्रिक भी याद करने से पहले सबसे पहली चीज याद रखो कि इसमें हल्दी का कहीं पे भी वर्णन नहीं है, देखो चंदन कूट एक्सेट्रा है पर इसमें हल्दी नहीं आती है, तो एक तो सबसे पहला क्वेश्चन ही ये बन जाता है, हम वर्ण्य को पढ़ते नहीं है, हम सबसे पहले हल्दी आंसर करके आते हैं, तो एक तो सबसे पहला क्वेश्चन ही ये बन जाता है, हम वर्ण्य को पढ़ते नहीं है, हम सबसे पहले हल्दी आंसर करके आते हैं, उसमें हल्दी इसमें आती नहीं है, तो पहली चीज ये ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक को मैं वापस से बताती हूँ आपको कैसे याद रखना है इसको, तो देखिए इसके लिए ऐसे याद रखो सीता लता, ठीक है, क्या याद रखेंगे, सीता लता, ये दो बहनें ऐसे याद रख लो, सीता लता जो है वो उस सारी, सीता लता उस सारी मुलैठी को खाकर, सीता लता उस सारी मुलैठी खाकर नाग मंदिर, ठीक है, सीता लता उस सारी मुलैठी को खाकर नाग मंदिर में पद्म चंदन शीर चढ़ावे, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो सीता लता उस सारी मुलैठी खाकर नाग मंदिर में पद्म चंदन शीर चढ़ावे, तो सीता लता स्पेसिफिकली दोनों नाम जो है ये वर्ण्य महाकषाय में आए हैं, जिसमें सीता श्वेत दुर्वा को बोला गया है और लता जो है वो श्याम दुर्वा को बोला जाता है, जो कि धूप घास कही जाती है, ठीक है। उससे आपको ध्यान रखना है उशीर, ठीक है, उशीर जो खसघास होती है उसको उस बोला जाता है, उसीर उस नहीं बोला जाता, उस ट्रिक में है उशीर उसको बोला गया है, ठीक है, ये उशीर यहां से ध्यान रखना है, जिसका कि खस नाम दे रखा है, क्लियर। अब सारी से लिखना सारीवा मुलैठी, ठीक है, नाग से हो गया आपका जो नाग केसर है उसके लिए, मंदिर से हो गया मंजिष्ठा, ठीक है, पद्म से हो गया पद्म केसर, चंदन और शीर, शीर से शीर विदारी जो है उसके लिए बोला गया, जिसको कि पयस्या नाम दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो चाहे पयस्या लिखे चाहे शीर विदारी लिखे, ये आपके ऊपर है, बस इस ट्रिक से अपने को क्या द्रव्य आते हैं वो ध्यान रह जाएंगे, सीता लता उस सारी मुलैठी को खाकर नाग मंदिर में पद्म शीर चंदन चढ़ावे या लगावे, कैसे भी, ठीक है। तो चंदन तुंग जो वर्ड आया ना, ये तुंग वर्ड नाग केसर के लिए आया, जिसको मैंने ट्रिक में नाग केसर लिखा है सीधा, तो ये भी ध्यान रखना कि तुंग वर्ड नाग केसर के लिए पर्याय के रूप में है, ठीक है। फिर जो सारीवा है इसका अनंतमूल एक पर्याय होता है, ये यहाँ से ध्यान रखना है, सीता लता श्वेत दुर्वा और श्याम दुर्वा के नाम है, फिर वापस है वही चीज कि हल्दी को इसमें उल्लेखित नहीं किया गया, तो ये हो गया वर्ण्य महाकषाय, ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद। अब नेक्स्ट इसके बाद देखिए कौन सा महाकषाय है, कंठ्य महाकषाय, तो कंठ्य महाकषाय को याद रखने के लिए ट्रिक याद रखिए, सारी इक्षु, ठीक है, सारी इक्षु मधुक पीकर,
संसारी इच्छु मधुक पीकर दावा करे, क्या दावा करती है? हंसपादी बड़ी कटीली। ठीक है, ये क्लियर है? तो सारी इक्षु मधुक पीकर दावा करे, हंसपादी बड़ी कटीली। तो अपन क्या करते हैं, ऐसे कंठ महाकाशाय को ऐसे ध्यान रखना कि कंठ जो है, कंठ में अपन सारी चीजें डाल लेते हैं वॉइस को प्रमोट करने के लिए, ऐसे याद रखना। तो सारी से जो रिलेटेड ट्रिक है वो उसमें आएगी, कंठ महाकाशाय में। ठीक है, तो देखो सारी से है सारीवा, इक्षु मूल, इसको इक्षु के साथ में इक्षु मूल ही ध्यान रखो, ताकि आपको हमेशा के लिए ध्यान रहेगा कि यहाँ पे ईख की जड़ का उल्लेख है। ये पूछ सकते हैं ईख का कारण है क्या है इसमें, तो ईख की जड़ का उल्लेख है। ठीक है, मधुक जो है वो क्या लिख रखा है यहाँ पे, जो मुलैटी है उसके लिए बताया गया है। ठीक है, इसके बाद जो ये पीकर लिखा हुआ है ना, सारी इक्षु मूल मधुक पीकर, पीकर से पी से अपन को ध्यान रखना है, यहाँ पे पिपली है। ठीक है, अब ये जो दावा है, इस दावा से दा से है द्राक्षा और व से है विदारी। ठीक है, दावा करे, करे से हो गया कैटर्य। ठीक, फिर हंसपादी बड़ी कटीली, मतलब का इसका मतलब है बड़ी जो है ना, बड़ी कंठकारी, और फिर कटीली मतलब छोटी कंठकारी, जिसको केवल कंठकारी भी बोला जाता है। तो बड़ी से बृहती और कटीली से कंठकारी, तो इससे अपने को क्या याद रह जाएंगे, कंठ महाकाशाय। तो सारीवा, इक्षुमूल, मधुक, पिपली, द्राक्षा, विदारी, कैटर्य, हंसपादी, बृहती और कंठकारी। ठीक है, तो सारी इक्षु मूल मधुक पीकर दावा करे, हंसपादी बड़ी कटीली। अब इनको नहीं भी आप याद कर पाते, कम से कम 10 बार ये अगर ट्रिक्स भी सुन भी लेंगे ना, तो भी आपको ये ध्यान रह जाएगा कि कौन से महाकाशाय का वर्णन आया है। अब इसमें देखो छोटा सा ये ध्यान रखो, कैटर्य जो है उसको कायफल बोला जाता है। ठीक है, ईख की जड़ का इसमें प्रयोग किया गया है। बनभंटा जो है वो बृहती को बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना यहाँ से। अब आते हैं नेक्स्ट हृदय महाकाशाय पे। तो देखो ये लास्ट आज के ये जो पार्टीशन है ना, इसका लास्ट महाकाशाय है। तो देखो हृदय महाकाशाय में पहले ये ध्यान रखना, अम्ल रस वाले द्रव्य आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, और इसमें अर्जुन नहीं है, अपन हमेशा अर्जुन किसमें पढ़ते हैं, हृदय प्रभाव पढ़ते हैं उसका, लेकिन इसमें चरक ने कहीं पे भी अर्जुन का नाम नहीं लिया है, सारे अम्ल रस वाले इसमें द्रव्य आते हैं। तो इसको अपन याद कर लेते हैं। इसके लिए ट्रिक याद रखिए, जैसे कुवल बदर, ठीक है, कुवल बदर, दाढ़ी वाला मर्द, ठीक है, कुवल बदर, दाढ़ी वाला मर्द, माता आम्र आम्रातक के, माता आम्र आम्रातक के वेतस वृक्ष को, वेतस वृक्ष को लकूचे। ठीक है, ये ट्रिक याद हो गई, कुवल बदर, दाढ़ी वाला मर्द, माता आम्र आम्रातक के वेतस वृक्ष को लकूचे। तो कुवल है इसके अंदर, बदर है इसके अंदर, ये क्लियर हो गया। दाढ़ी से याद रखो दाढ़ी, ठीक है, मर्द से करमर्द, करमर्द जिसको करौंदा कहा जाता है। ठीक है, माता से मातुलुंग, आम्र है आम्रातक है, वेतस से अम्ल वेतस है, वृक्ष से वृक्षाम्ल है, और लकूचे से लकूचे। तो इस तरीके से ये द्रव्य 10 द्रव्य जो है वो हृदय महाकाशाय में बताए गए हैं। ठीक है, तो अगेन ये सारे द्रव्य अम्ल रस वाले हैं, इसमें अर्जुन कहीं पे भी नहीं आया है। ठीक है, तो जो आम है, आम्रातक बोलते हैं आमड़ा को, करौंदे को ध्यान रखना है, इसको करमर्द बोला जाता है। ठीक है, वृक्षाम्ल है, कुवल बड़ी बेर, छोटी बेर इसमें बताई गई है, तो बेर के भेद भी इसके अंतर्गत आए हैं। दाढ़िम है, मातलुंग है, ये 10 औषधियां जो है वो किसके अंतर्गत आती है, हृदय महाकाशाय में। ठीक है, तो ये 5 महाकाशाय अपन ने इस पार्ट में देख लिया, इनको छोटी छोटी ट्रिक से आपको ध्यान रखना है कि कैसे कौन सा द्रव्य किसके अंतर्गत आ रही है। और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, आजकल क्या है कि जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा हाई हो रहा है, तो उसमें क्या है कि आपसे ये पूछ लेते हैं कि कौन सा नहीं है, तो जब तक 10 याद नहीं रहेंगे तो अपन कौन सा नहीं है उस पर टिक नहीं कर सकते। थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन इतना भी नहीं जाएगा अगर आप ट्रिकी फॉर्म में इस चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे। तो बार बार ये कह रही हूँ कि 5 को अपन प्रिपेयर कर लेते हैं, एक साल में एक दिन में 5 ट्रिक याद रखना, तो आगे मूव ऑन करते जाओगे, अपने आप आगे से आगे आपको 50 महाकाशाय ध्यान रह जाएंगे। ठीक है।